आज का हमारा क्वेश्चन है बाल्यावस्था के बालक के क्रियात्मक विकास का वर्णन कीजिए, मतलब मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इससे पहले हमने इन्फेंसी पीरियड शैशवावस्था में देखा था कि किस तरह से मोटर डेवलपमेंट होती है, अब हमने देखना है बाल्यावस्था में। जो बालक के बाल्यावस्था में अर्जित कौशल होते हैं, विभिन्न तरह के जो कौशल अर्जित कर रहा है, उनका विकास बाल्यावस्था में जो कंप्लीट हो जाता है, ये बहुत अधिक बच्चे के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें जो ये पीरियड होता है, इस अवस्था में बालक अधिक साहसी होता है, उसमें अनावश्यक डर अथवा चोट भय, चोट लगने का डर वगैरह नहीं होता, क्योंकि बच्चे नई नई क्रियाएं सीख रहे होते हैं, उन्हें शौक होता है सब कुछ नया सीखने का करने का, ज्यादा मन में उनका डर नहीं होता, डर जैसी भावनाएं उनके मन में नहीं होती, वो कोई भी रिस्क लेके कोई भी खेल खेलते हैं, कोई भी काम करते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा जो क्रियात्मक कौशल सीखता है, मतलब जो भी मोटर डेवलपमेंट होती है, वो बहुत लाभकारी होते हैं और साथ ही सामाजिक संपर्क बनाने में भी सहायक होते हैं। सामाजिक संपर्क बनते हैं बच्चों के और फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, आपस में खेलते हैं, नए नए स्किल्स डेवलप होते हैं। इस अवस्था तक बच्चा जो है स्वयं कपड़े पहनना, खाना खाने का कौशल, ये सब उसका विकसित हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे अपने खुद के काम करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक खाना खाते हुए बात करना, मनपसंद कपड़े पहनना, उतारना, गेंद कैरम, ये वाले सारे गेम जो है अच्छे से सीख जाता है। और 6 वर्ष तक की अवस्था तक बालक जो है अक्षरों को पहचानना, चित्र द्वारा पढ़ना, सीखना जैसी क्रियाएं भी करने लग जाता है, मतलब उसे शब्दों की, अक्षरों की उसे पहचान होने लगती है, अपने काम स्वयं करने लग जाता है, मनपसंद खेल खेलता है, अपने आप कपड़े डालना उतारना सब बच्चा सीख जाता है। और फिर 5 से 6 अवस्था जो वर्ष की अवस्था है उसमें जो पैरों के कौशल विकसित हो जाते हैं, जैसे उछलना कूदना, रस्सी कूदना, दौड़ में हिस्सा लेना, सीढ़ी चढ़ने के कौशल का भी विकास हो जाता है, और 6 साल का जो बच्चा है वो ट्राई साइकिल चलाना भी सीख जाता है। मतलब इस एज तक लगभग बच्चों के जो ये वाले कौशल है, साइकिल चलाना, दौड़ना कूदना, रस्सी, रेस में पार्टिसिपेट करना, ये सब बच्चा अच्छे से सीख लेता है। फिर 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था में बालक अनेक नए कौशल का उसके अंदर विकास हो जाता है, इसमें सभी कौशल में दक्षता आ जाती है। लगभग 11 वर्ष की आयु तक ये कौशल उसी स्तर के होते हैं जैसे वयस्क व्यक्तियों के होते हैं, मतलब एडल्ट के जैसे होते हैं वैसे कौशल आ जाते हैं। कुछ हद तक सामाजिक सहायता से भी, जो सामाजिक सहायता से जो कौशल हमारे होते हैं उन कौशलों का विकास होता है, जैसे फर्नीचर साफ करना, घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, बिस्तर बिछाना, नाश्ता आदि, मतलब छोटे मोटे अपने काम खुद से भी कर सकता है, किचन का काम करने या जरूरत पड़ने पर, जैसे वो बच्चा सब सीख जाता है, ये सारे कार्य करना सीख जाता है। और इस प्रकार के जब ये कौशल बच्चे में विकसित होते हैं तो आत्महत्व की भावना भी जागृत हो जाती है, उसे खुद का महत्व पता लगता है कि वो खुद से क्या क्या कार्य कर सकता है। और विद्यालय में भी, स्कूल भी जब बच्चा जाता है तो इस एज में काफी सारे कौशल सीख लेते हैं, जैसे लिखना, चित्रकारी करना, नाचना, गाना, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने बनाना, स्किल डेवलपमेंट्स काफी तेजी से इस एज में होते हैं बच्चे, ये सारे कौशल बाल्यावस्था में बच्चे में विकसित हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।